हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी लर्न जापानीज सीरीज की फर्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है लर्न जापानीज सीरीज। इस सीरीज में हम जापानीज लैंग्वेज को सीखने वाले हैं बिल्कुल बिगनर से एडवांस लेवल तक। जी हाँ, बिल्कुल, हम बिल्कुल बिगनर से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं जापानीज लैंग्वेज, वो भी हिंदी के थ्रू, जिससे आप बड़ी आसानी से जापानीज लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट वीडियो है सीरीज की, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं जानने वाले हैं इस वीडियो में। हम बस सिंपल जो है थोड़ा बहुत जो है मतलब बेसिक चीज़ें, कुछ फन फैक्ट्स जापानीज लैंग्वेज के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि मतलब टेस्ट कौन सा होता है इस लैंग्वेज का, कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं इस लैंग्वेज के, है ना, कौन सा टेस्ट होता है, क्या पैमाना है चेक करने का कि आपको ये लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है। तो इस लैंग्वेज का बस एक ही टेस्ट है जो कि है JLPT। JLPT देख लो, आप नाम सुन लो अच्छे, JLPT ये जो टेस्ट है, यही इकलौता टेस्ट है इस लैंग्वेज का। कोई आपसे कहता है कि ये वाला टेस्ट कर लो या वो टेस्ट कर लो, ये उससे अच्छा है या जैसा भी है ना, तो वो सब टेस्ट बेकार है, वो मत करना। क्योंकि JLPT जो है, जापानीज गवर्नमेंट ने खुद ने बोला है कि अगर आप ये वाला जो टेस्ट है इसको पास करते हैं, अगर आपके पास JLPT का सर्टिफिकेट है तभी माना जाएगा कि आपको जापानीज लैंग्वेज आती है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो मतलब आपको क्या आता है पता नहीं, ठीक है। तो मतलब यही जो सर्टिफिकेट है, यही वाला टेस्ट वैलिड है और कोई टेस्ट वैलिड नहीं है। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जॉब लेती हैं जापानीज लैंग्वेज के बेसिस पे, वो भी यही सर्टिफिकेट चेक करती हैं, यही एग्ज़ाम का जो आपकी मार्कशीट बनेगी कि आपने पास किया है। तो यही वाला एग्ज़ाम आपको पास करना होता है अगर आपको दिखाना है कि आपको जापानीज लैंग्वेज आती है। तो यही टेस्ट है JLPT। तो उसमें 5 लेवल होते हैं, N1, N2, N3, N4 और N5। जो N1 होता है वो होता है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल, बिल्कुल एडवांस लेवल, और जो N5 होता है वो होता है बिल्कुल बेसिक लेवल। जो लोग स्टार्ट करते हैं तो N5 से करते हैं, तो हम भी हमारी वीडियोस में N5 से N1 तक जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से एक्सपर्ट लेवल तक, बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाएंगे, ताकि आपको सब कुछ आए समझ में इजिली। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक बातें जापानीज लैंग्वेज के बारे में। तो मैंने यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं। तो जापानीज लैंग्वेज में 3 स्क्रिप्ट होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि हम जापानीज लैंग्वेज को 3 अलग अलग वेज में लिख सकते हैं, 3 तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 स्क्रिप्ट होती हैं, ये हिरागाना, काताकाना और कांजी। अब कौन सी स्क्रिप्ट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट का क्या इस्तेमाल है, वो हम जान लेते हैं। पहली है हिरागाना। जो हिरागाना स्क्रिप्ट है ना, ये बिल्कुल बेसिक और मतलब जापानीज लैंग्वेज की जो फाउंडेशन के जो स्क्रिप्ट है, ये वो है। जापानीज लैंग्वेज का हर एक वर्ड, चाहे कोई सा भी वर्ड हो, वो हिरागाना में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम करते हैं जो ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं ना, जैसे कि इस, एम, आर, दीज, दोज, बट, एंड, और, जो इस टाइप के शब्द होते हैं जो कि लाइक ग्रामर के शब्द होते हैं, उनको अगर हमें लिखना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं हिरागाना का। सिंपल, इसका एक और इस्तेमाल भी है कि अगर आपको लाइक कांजी का कोई वर्ड नहीं आ रहा है ना, कांजी का कोई वर्ड अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको मतलब उसकी बजाय आप उस शब्द को लिख सकते हो हिरागाना में, और उसको कहते हो रिप्लेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कांजी पढ़ो ही ना, कि कांजी का वर्ड नहीं आता तो हम हिरागाना में लिख देंगे। सिंपल, कांजी पढ़नी बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेन है। ओके, तो ये 2 इस्तेमाल है हिरागाना के। अभी कांजी हम आगे देते हैं क्या होता है। फिर है काताकाना। काताकाना का इस्तेमाल हम करते हैं बेसिकली उन शब्दों के लिए जो कि बाहर के कंट्रीज से आया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया। अगर हम एक जापानीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग जापान के नहीं है, तो हम लाइक फॉरनर हुए। तो कोई फॉरेन कंट्री का कोई भी वर्ड होता है, कोई भी फॉरेन कंट्री का नाम होता है, फॉरेन कंट्री से आई कोई चीज का नाम होता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री से जुड़ी हुई चीज होती है जापानीज लोगों के हिसाब से, जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको लिखते हैं इस वाले स्क्रिप्ट में, इसको लिखते हैं काताकाना में। ओके, जैसे कि मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, या फिर इंडिया हो गया, तो वो सब हम लिखेंगे इस स्क्रिप्ट में, ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट आती है कांजी, मतलब दिमाग खराब करने वाले जापानीज। बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कांजी पढ़ने में, क्योंकि कांजी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और यही बनाती है जापानीज लैंग्वेज को वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, पर जापानीज जो है वर्ल्ड की मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस में से एक है। और क्यों है, क्योंकि कांजी जापानीज लैंग्वेज का एक पार्ट है। अभी कांजी होता क्या है, देखो, किसी भी वर्ड को अगर हम कोई पिक्चर के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो कांजी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कांजी दिखाता हूँ, रिवर की कांजी,
जो रिवर है उसकी कांजी होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कावा, कावा। तो जापानीज में अगर आपको लिखना होगा ना रिवर, तो आपको बस ये पानी बहता हुआ बना देना है, बन गया कावा, मतलब रिवर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिवर की कांजी, इसको हम जापानीज में बोलते हैं कावा। अब एक और एग्जांपल है यामा, मतलब माउंटेन। तो माउंटेन की कांजी कुछ ऐसे होती है, देखो ऐसे दो लाइन इधर, एक ऐसे, और ये हो गया आपकी माउंटेन की कांजी, इसको हम बोलते हैं यामा, जापानी से बोलेंगे यामा, यामा। तो माउंटेन को हम जापानी से बोलते हैं यामा। अभी देखो वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने सारे वर्ड है। अब हर एक वर्ड को, हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक चीज को हम अगर लिखेंगे इस तरीके से, तो मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि हर एक वर्ड को जो लिखने का तरीका है वो अलग है। तो मतलब आपको हर एक वर्ड को लिखने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स को याद करना पड़ेगा, थोड़ा टफ है ये। और मैं आपको बताऊंगा, मतलब जापानीज लैंग्वेज में 50-60 हज़ार कांजियां तो होती होंगी, मतलब मैं ये भी कम बोल रहा हूँ, 1 लाख कांजी तो क्या पता होती हो, 1 लाख भी होती हो। और लाइक अगर आप एक सिंपल सी कोई बेसिक सी अगर डिक्शनरी लोगे जापानीज लैंग्वेज की, तो उसमें 25 से 30 हज़ार कांजी होती हैं, तो एक बेसिक बेसिक वाली जो होती है उसमें। तो अगर आपको थोड़ी एडवांस लोगे तो उसमें 50-60-70 हज़ार पता नहीं कितनी होंगी, 1 लाख भी होती हो पता नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ एक फैक्ट कि अगर जैसे देखो अगर हम हिंदी की कोई किताब पढ़ रहे हैं, उसमें कोई बहुत पहले का बिल्कुल शुद्धिन्य कोई वर्ड आ जाता है, तो हमें उसे पढ़ने में दिक्कत होगी, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हम पढ़ लेंगे। पर अगर जापानीज कोई ऐसा किताब विताब पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा पहले के टाइम का या कोई बिल्कुल शुद्ध जापानीज का कोई वर्ड आ गया, तो वो मतलब पहचान ही नहीं पाएगा कि वो लिखा क्या है ना, क्योंकि हर वर्ड को जैसे वो लिखते हैं वो तरीका लाइक अलग है, तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है जापानीज लैंग्वेज का कि थोड़ी मुश्किल हो जाती है कांजी की वजह से। और बताऊँ ये कांजी ना जापान की इनकी नहीं है, खुद की नहीं है, ये चाइना से, लाइक बहुत 5-6 हज़ार साल पहले जापान ने अपने कुछ लोग चाइना भेजे थे, और फिर वहां से वो लोग कांजी लेके आए थे और कांजी को जापानीज लैंग्वेज में ऐड करा था, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये तीन स्क्रिप्ट होती है हमारे पास, हीरागाना, काताकाना और कांजी। अभी देखो मैंने बोलता कि हीरागाना का क्या होता है इस्तेमाल, ये भी होता है कि आप कोई कांजी का जो कैरेक्टर होता है अगर आपको नहीं आता, तो आप उसको हीरागाना में भी लिख सकते हो। क्योंकि जो कांजी में तो क्या होता है कि हर एक वर्ड को लिखने का तरीका वैसा रहता है, कि मतलब हर वर्ड को लिखने का तरीका अलग होगा। अभी कांजी क्या है, अलग ये वाला क्या है, ये जो हीरागाना ये इसमें ऐसे होता है ABCD होते हैं, जैसे हमारे सिंपल होते हैं इंग्लिश में ABCD, हिंदी में क ख ग घ होते हैं, ऐसे हीरागाना और काताकाना में ऐसे इनके होते हैं ABCD, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, है ना, जैसे सिंपल रहते थे हम लिखते हैं वैसे इसमें लिख सकते हो। पर कांजी अगर आपको नहीं पता, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कांजी ऑफ रिवर, अब आपको नहीं पता कि रिवर की कांजी क्या, रिवर को लिखते कैसे हैं, तो आप उसको जो है यहाँ पे हीरागाना में भी लिख सकते हो, आपके पास चॉइस अगर आपको नहीं आता है तो। पर कांजी उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कांजी के आप टेस्ट पास नहीं कर सकते और आपको वो सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कांजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हर जगह पे कांजी यूज होती है जापानीज में, क्योंकि क्योंकि इतने सारी कांजी के शब्द है ना, तो आपको कांजी आनी चाहिए, क्योंकि कांजी बहुत मेन है और थोड़ी मुश्किल भी है। पर ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पूरी 1 लाख कांजी याद नहीं करनी है, क्योंकि एक जापानीज इंसान भी मतलब ज्यादा सारा मतलब 2000 या 2500 कांजी इसका इस्तेमाल करता है ज्यादातर, ज्यादा तौर पर। तो हमें भी वो 2000 या 2500 जितनी भी है वो सीखनी है बस, जो मेन मेन है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती है, वो 2500 कांजी है वो हमें सीखनी है, ओके सिंपल है, ओके। अभी देखो बहुत सारे जो बुक्स होती है ना जापानीज बुक्स में, बहुत सारे जापानीज बुक्स में क्या होता है कि वर्ड लिखा रहेगा आपका कांजी में। अब फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि कांजी में उसका मतलब क्या है ना, आपको नहीं पता कि इस कांजी का मतलब क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल ये कांजी ऑफ रिवर है ना, तो आपको नहीं पता कि ये मैंने लिख दिया है, आपको नहीं पता क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ज्यादातर जापानीज बुक में कांजी के ऊपर छोटे फॉन्ट में हीरागाना में वो सेम वर्ड लिखा होता है। तो जैसे इस तरीके से यहाँ पे कांजी लिखी हुई है ऑफ रिवर, तो इसको मैं लिख दूंगा, ठीक है, ये देखो। तो ये मैंने कांजी में लिखा, अब अगर आपको नहीं पता, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैंने ऊपर छोटे फॉन्ट में यहाँ पे इसको लिख दिया हीरागाना में। तो ये कावा है, वही मैंने लिखा है कावा। तो आप इजीली अगर आप पढ़ोगे तो बोलोगे अच्छा कावा, अच्छा तो ये कावा है मतलब रिवर है, तो आप समझ लोगे कि ये रिवर की कांजी है, ये कावा है, ओके। अभी ये बहुत सारी बुक्स में इसके ऊपर होता है, कुछ में नीचे लिखा रहता है, कुछ में कुछ कोने में लिखा रहता है, ज्यादातर में ऊपर लिखा रहता है। मैं एक वो डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है कुछ बुक्स का,
आप उसमें देख सकते हो। और तो ये हीरागाना का यही इस्तेमाल होता है, हीरागाना या तो आप कांजी के कोई वर्ड आपको नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो ये नहीं कि आप इसी को कर जाओ रिप्लेस, अगर आपको नहीं आता है तो आपको उसको कर दो रिप्लेस, और बाकी जितने भी ग्रामर के वर्ड होते हैं इस एम आर दिस दो दैट बट और एंड इस तरीके के वर्ड होते हैं जो कि ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है हीरागाना। और बाकी जितने वर्ड होते हैं आजकल लाइक किसी का नाम हो गया उसके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग है, किसी का चीज़ का नाम है, ऐसे कुछ भी चीज़ें हैं उन सबके लिए कांजी इस्तेमाल की जाती है। और बाकी जो ये है काताकाना ये यूज होती है हमारी फॉरेन वर्ड्स के लिए जो बाहर की कंट्रीज से आए हैं, जापान की का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको, ठीक है। अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि हमारे लिए इंडियन है तो वो इसमें नहीं लिखेंगे, अगर इंडियन चीज है तब भी इसमें लिखेंगे क्योंकि जापान के हिसाब से इंडिया फॉरेन कंट्री है ना, तो आप अपना नाम भी लिखेंगे काताकाना में। तो ये मैंने कहा था कि हीरागाना बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आते हैं हीरागाना, है ना, क्योंकि कोई भी वर्ड हो जापानीज का हम इसमें हीरागाना में इसको हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हीरागाना, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये काताकाना, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कांजी जो कि होगी N5 लेवल की कांजी, जो मतलब N5 लेवल है आपका जो टेस्ट होगा JLPT, उसके लिए जो टेस्ट है उसके लिए आपको मतलब 100 कांजी आने चाहिए। अगर आपको N5 लेवल का टेस्ट क्लियर करना है तो आपको 100 कांजी आनी चाहिए फॉर N5 लेवल, फॉर JLPT N5 लेवल के लिए आपको 100 कांजी आनी चाहिए। तो उसके पहले हम ये पढ़ेंगे हीरागाना, फिर काताकाना, फिर कांजी फॉर N5 लेवल, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी फॉर N5 लेवल, फिर हम करेंगे द ग्रामर फॉर N5 लेवल, फिर ऐसे हम आएंगे N4 लेवल पे। फिर ऐसे हम बढ़ेंगे धीरे धीरे N1 तक और फिर ये हो जाएगी सीरीज खत्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर आपको जापानीज लैंग्वेज सीखनी है आगे कंटिन्यू करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिल जाए सबसे पहले। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नए वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी नेक्स्ट टाइम।